हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस सेक्शन में हमने वैन सर्वर और नोटपैड प्लस को इंस्टॉल करना सीखा और फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए। अपने आज के ट्यूटोरियल से हम पीएचपी में स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे। इसके लिए आप अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। इंस्टॉल करते टाइम पे हमने नोटपैड प्लस का शॉर्टकट क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे। उस पर क्लिक करती हूँ। आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे अपनी नई फाइल लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा न्यू। इस पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपकी नई स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम पहले सेव कर लेते हैं। इसके लिए फाइल मेन्यू में गई, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक किया। हम अपनी सारी फाइल्स को वैम फोल्डर के अंदर www नाम के फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सी ड्राइव में जाइए। बैम www में गए और यहाँ हमने एक फोल्डर बनाया था php underscore files नाम का। इसके अंदर हम अपनी php की सारी फाइल्स रखेंगे। अब हम अपने इस फाइल को कोई मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। मान लीजिए इसे मैं php info.php दे देती हूँ। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई php फाइल बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन .php होता है। इससे हमारे वेब सर्वर को पता लग जाता है कि जो फाइल आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं वो php फाइल है। अब मैं सेव बटन पे क्लिक कर दे। अब हम अपनी इस फाइल में कुछ php कोड लिखेंगे। इसके लिए मैं लेस देन क्वेश्चन मार्क php स्पेस php इन्फो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कॉलन स्पेस दिया क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन का साइन। यहाँ आप देखेंगे मैंने php इन्फो लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाए हैं और सेमी कॉलन लगाया है। जहां भी आपको पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन मिले, इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन का यूज किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने php info नाम के फंक्शन को यूज किया है। इस फंक्शन की हेल्प से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड php apache mysql से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या क्या है ये भी पता कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैंने ये कुछ कोड लिखा है लेस देन क्वेश्चन मार्क php और यही कोड क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन मैंने एंड में लगाया है। ये हमारे php का स्टार्टिंग टैग है, इतना यहाँ तक का, और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन ये हमारे php का क्लोजिंग टैग है। इन टैग्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। अभी के लिए मैं इस स्क्रिप्ट को सेव कर देती हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस और अब हम अपने वैम सर्वर को ओपन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस को मिनिमाइज करती हूँ और अब हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब वैम सर्वर के लिए हमारा जो शॉर्टकट था उस पे जाके राइट क्लिक करके रन एज पे क्लिक किया, द फॉलोइंग यूजर ऑप्शन चूज करते हैं, अपना सिस्टम नेम एंड देन पासवर्ड जो हमने दिया है, ओके पे क्लिक किया। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके वैम सर्वर स्टार्ट हो गया है। ग्रीन कलर शो कर रहा है कि वैम सर्वर की सारी सर्विसेज इस समय वर्किंग में है। इस पे क्लिक करती हूँ और लोकल होस्ट ऊपर से चूज कर लेती हूँ। लोकल होस्ट का स्टार्टिंग पेज आ गया। हमने अपनी फाइल को कहाँ सेव किया था? www में मैंने एक फोल्डर बनाया php underscore files का और उसके अंदर मैंने अपनी फाइल को स्टोर किया। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इस समय आप www पे हैं। इसके आगे आपने अपनी फाइल का जो भी पाथ रखा है वो आपको यहाँ लोकल होस्ट के आगे देना होगा। हमने क्या दिया है, php files नाम का एक फोल्डर है php underscore files, उसके अंदर हमारी फाइल है जिसका नाम php info dot php है। ये हो गया और अब हम एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे एंटर प्रेस करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ गई है। यहाँ सबसे पहले आपको ये बता रहा है ये फंक्शन कि आपके सिस्टम में जो php इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन क्या है। सिस्टम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका सिस्टम विंडोज है, आपके सिस्टम का नाम विंडोज में xp
प्रोफेशनल सर्विस पैक 3 मेरा ओएस है, डेट दे रहा है, कंपाइलर कौन सा यूज हो रहा है, आर्किटेक्चर, ये सारी सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जेंड एक्सटेंशन ये आप देखेंगे, पीएचपी क्रेडिट्स, कॉन्फ़िगरेशंस में अपाचे 2 हैंडलर की कॉन्फ़िगरेशन, अपाचे का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं आप, इस तरीके से अपाचे इन्वायरमेंट, यहाँ हम होस्ट, हमने लोकल होस्ट रखा हुआ है, हम अपने ही सिस्टम को एज अ होस्ट काम कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे सर्वर नेम लोकल होस्ट, सर्वर ADDR 127.0.0.1, ये मैंने आपको बताया था कि लोकल होस्ट की हमारी आईपी ये होती है, ये हमारी रिजर्व आईपी होती है लोकल होस्ट के लिए। इसके बाद आप और नीचे आएंगे थोड़ा कोर सेक्शन में, यहाँ आप इस सेक्शन में ध्यान देंगे कि डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर्स, ये डायरेक्टिव्स आपकी ऑन होनी चाहिए। अगर ये डायरेक्टिव्स ऑन नहीं होंगी तो आपको आपके प्रोग्राम में या आपके पेज में आने वाली एरर शो नहीं होंगी। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखनी सीखी। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स को यूज करा, यहाँ आप देखेंगे, और पीएचपी इन्फो नाम के फंक्शन को यूज किया। इन टैग्स को हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और अच्छे से कवर करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।